हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल इंजीनियर अभिषेक त्यागी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि वाई वी प्रोवाइड कर्व स्टोन से रोड कंस्ट्रक्शन। कर्व स्टोन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्यों इंस्टॉल करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं कि आपका पीसीसी हो रहा है। पीसीसी किसके लिए हो रहा है? कर्व स्टोन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। विद द हेल्प ऑफ जेसीबी, ठीक है। इससे मतलब जेसीबी करने से ये प्रॉफिट है कि आपका मैन पावर कम लग रही है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी में कर्व स्टोन आप समझ सकते हैं कि कोई एक जगह कंक्रीट करना नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स, कई जगह करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये हम देख रहे हैं आपके कि ये आपका कर्व स्टोन है। कर्व स्टोन प्रोवाइड क्यों करते हैं ये आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो हम आपको बता देते हैं कि कर्व स्टोन जो आपका होता है रोड का आउटर साइड होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप उसके बाहर गाड़ी नहीं ले जा सकते, अपना व्हीकल नहीं ले जा सकते, व्हीकल को मूव नहीं करा सकते हैं, ठीक है। कर्व स्टोन इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। कर्व स्टोन कभी भी लगाने से पहले हमें पहला प्रोसेस होता है कि आप जहाँ पे भी कर्व स्टोन का वर्क करना है वहाँ अच्छी तरह से कॉम्पैक्शन कर लें, ठीक है, सॉइल को कॉम्पैक्ट कर लें विद द हेल्प ऑफ रोलर, कॉम्पैक्टर मशीन जो भी है आपके पास अवेलेबल, उसके थ्रू आप कॉम्पैक्शन कर लें, ठीक है। कॉम्पैक्शन करने के बाद फ्रेंड्स इसका लेआउट करते हैं आपका, जैसे कि किस एरिया में और कितनी दूरी तक आपका कर्व स्टोन लगाना है, ठीक। जैसे ये लेआउट हमारा हो रखा है, ये हमारा पार्किंग है, यहाँ पार्किंग है, गाड़ी पार्क होगी, ठीक है। ये आपका रोड है, आप देख रहे हैं, ये विला है हमारा, विला के जस्ट सामने पार्किंग है, ठीक है, और यहाँ कर्व स्टोन लगाया गया है, ठीक है। देख रहे हैं आपका लेआउट, लेआउट होने के बाद लेआउट स्टील से किया गया है, आप देख सकते हैं ये रेड कलर का जो बैरिकेडिंग टेप है ना, वार्निंग टेप, इसके थ्रू इसका लेआउट करते हैं, ठीक। उसके बाद से स्टील मारकर इसका शटरिंग करते हैं, ठीक है। शटरिंग करने के बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, शटरिंग करने के बाद इसका कंक्रीटिंग होगा, पीसीसी। पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें स्टील यूज नहीं होता है उसे पीसीसी बोलते हैं कंक्रीटिंग में। तो हमारा पीसीसी हो गया। अब पीसीसी के ऊपर से हम क्या करेंगे कि मोटार यूज करके और कर्व स्टोन को इंस्टॉल कर देंगे, कर्व स्टोन लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। पीसीसी और कर्व स्टोन के बीच में जो बाइंडर का काम करता है वो हमारा मोटार का होता है, ठीक है। मोटार का मतलब समझ रहे होंगे, मसाला, अपने इंडिया में इसको बोलते हैं मसाला, मोटार टेक्निकल वर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। सैंड और सीमेंट का मिक्सर जो होता है, ठीक है, जिसमें एग्रीगेट ना यूज किया जाए, केवल सैंड और सीमेंट का मिक्सर हो, उसे हम मोटार कहते हैं, ठीक है। तो आपका पीसीसी हो गया, इसके बाद से मोटार और कर्व स्टोन इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपका पीसीसी की थिकनेस मिनिमम 75 mm होना ही चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जैसे ही हम कुछ नया वर्क करते हैं, नया वर्क लाते हैं, ठीक है, तो आपको इसके बारे में भी ज़रूर बताएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। और किसी भी टाइप के आपको हेल्प चाहिए, जैसे कि गल्फ कंट्री में जॉब के लिए, जॉब के रिगार्डिंग, या फिर इंटरव्यू के रिगार्डिंग, जैसे कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, या क्या क्या ज़रूरी होती है यहाँ पे जॉब के लिए, उन सब के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे, अगर आप हमसे कमेंट में पूछते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।